वो परीक्षित राजा के पास गया। बोले परीक्षित, तो आप पृथ्वी के राजा हो, मुझे बताइए मैं मथुरा का राज्य कैसे करूंगा। तो परीक्षित राजा ने शांडिल्य ऋषि को बुलाया। शांडिल्य ऋषि ने कहा, हे व्रजनाभ, अगर तुम्हें मथुरा का राज्य करना है तो तुमको सबसे पहले उद्धव से ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा। तो व्रजनाभ कुसुम सरोवर में गोवर्धन के बाजू में उद्धव जी गुल्म लता की तरह रह रहे हैं। एक तो बद्रिक आश्रम में हिमालय में रहते हैं उद्धव जी, और दूसरे हैं गोवर्धन में रहते हैं। गोवर्धन में पौधे के रूप में रहते हैं उद्धव। तो उद्धव के पास गए, उद्धव जी ने दर्शन दिया और उद्धव जी ने कहा, हे व्रजनाभ, अगर तुम्हें भक्ति को वापस प्रकट करना है ब्रज में सारी पृथ्वी के ऊपर, तो तुम श्रीमद् भागवत का महात्म्य सुनो। ये श्रीमद् भागवत इतना ही पवित्र है, इसका केवल गुणगान करने से जो जीव भागवत सुनने को नहीं आते हैं उनके हृदय में भी भक्ति जागृत हो जाती है। तो व्रजनाभ, परीक्षित, कालिंदी और कृष्ण की 16,108 रानियों ने उद्धव जी को भागवत का महात्म्य पूछा। तो उद्धव जी ने कहा कि जिस जिस देश में जिस जिस स्थान पर भागवत का एक श्लोक भी पाठ होता है या भागवत का आधा श्लोक भी पाठ होता है, वहां भगवान कृष्ण 33 करोड़ देवी देवताओं के साथ स्वयं आ जाते हैं। तो आज श्री श्री राधा माधव मंदिर भी धन्य हुआ है, क्योंकि जहां भागवत की कथा होती है वहां उत्सव होता है, भगवान स्वयं विराजमान हो जाते हैं। मुझे तो भगवान की अनुभूति हो रही है कि यहां साक्षात भगवान सुन रहे हैं, और अकेले नहीं आते हैं भगवान, अपने चतुर्व्यूह को लेके संकर्षण, अनिरुद्ध, प्रद्युम्न और वासुदेव और नारायण और सब विष्णु तत्व को लेके आते हैं, सब देवताओं को लेके आते हैं। जो भी भागवत सुनता है उसके सब पाप कर्म भस्म हो जाते हैं, जैसे रुई को अग्नि में डालते हैं पूरा काला हो जाते हैं, वैसे पाप कर्म अपने आप भस्म हो जाते हैं। और जो व्यक्ति नित्यम भागवत सेवया, ये भागवत सप्ताह इसीलिए होता है कि आपको भागवत में रुचि पैदा हो, आप घर में रोज भागवत पढ़ें, लेकिन रोज नहीं पढ़ते हैं इसलिए रुचि पैदा करने के लिए कम से कम 7 दिन तो सुनना चाहिए। नित्यम भागवत सेवया। और जो भागवत सप्ताह में आता है, जो भागवत सप्ताह कराता है और जो आता है, उसकी पिछली करोड़ों पीढ़ियों में सबका उद्धार हो जाता है। थोड़ा सा ताली बजाइए तो आपकी सब पीढ़ियों का उद्धार हो जाए। हरी वो ऊपर पितृलोक में बैठ के आपके पितृलोक अभी नाच रहे हैं, वो भी ताली बजा रहे हैं कि मेरे परिवार में, मेरे वंश में ऐसा कोई भक्त आया, वैष्णव, जो भागवत सप्ताह सुनने का संकल्प लिया है, भागवत कराने का संकल्प लिया है, भागवत सुनने का संकल्प लिया है। इससे हजारों पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है। इस पीढ़ी में तो आपके काका काकी, नाना नानी, चाचा चाची जो भी नहीं आए हैं उनका तो उद्धार होता है, लेकिन जो ऑलरेडी मर गए हैं उनका भी उद्धार होता है, और जो आने वाले हैं उनका भी उद्धार होता है। 10 पीढ़ी पीछे, 10 पीढ़ी आगे और बीच में की 1 पीढ़ी। तो इसलिए
उद्धव जी भागवत की महात्म्य में बता रहे हैं, भागवत को सुनने से श्रवण करने से ब्राह्मणों को प्रकाश होता है हृदय में ज्ञान का, क्षत्रियों को विजय प्राप्त होता है। क्षत्रिय युद्ध करने के लिए जाते हैं भागवत सुन के, तो क्षत्रियों को विजय प्राप्त होता है। और जो वैश्य लोग हैं वो बहुत पैसे वाले बन जाते हैं, धनवान भागवत सुनने से। और जो शूद्र हैं उनके शरीर के सब रोग दूर हो जाते हैं भागवत सुनने से। इतना महात्म्य है। जो माताजियां हैं, स्त्रियां हैं, वो भागवत सुनने से उनकी सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं। और जो भाग्यवान लोग भागवत सुनते हैं उनका जीवन सफल हो जाता है और उनको मृत्यु के बाद भगवान का परम धाम गोलोक धाम का प्राप्ति होता है। एक्चुअली जो भागवत सुनता है उसके लिए भगवान एरोप्लेन भेजते हैं, पुष्पक विमान। हरिद्वार में सबसे पहला भागवत सप्ताह आनंद घाट के ऊपर हुआ, सनत कुमारों ने किया था। उस सप्ताह में भक्ति देवी भी आई थी, ज्ञान और वैराग्य भी आए थे। भक्ति देवी बूढ़ी हो गई है क्योंकि कलयुग में कोई भक्ति नहीं करता है, तो भक्ति देवी के बाल भी वृद्ध हो गए। वृंदावन में जाके रोने लगी और भक्ति देवी के दो पुत्र ज्ञान और वैराग्य ये तो मूर्छित हो गए, क्योंकि कलयुग में किसी के पास ज्ञान नहीं है और वैराग्य की बात तो छोड़िए। तो जब सनत कुमारों ने भागवत सप्ताह किया तो पहले ही दिन भक्ति देवी वृंदावन से हरिद्वार आ गई और भक्ति देवी नाचने लगी प्रेम से, और भक्ति देवी भगवान का नाम लेने लगी, कीर्तन करने लगी। भक्ति देवी बोलने लगी, हरि हे दयाला मोरा जय राधा, हरि हे दयाला मोरा बारो बारो ए कोई नो कृपा करो तो भक्ति देवी ने कहा, हे प्रभु ये भागवत उत्तम श्लोक गुणानुवादात पुमान विरज्येत विना पशुग्नात। ये भागवत कौन नहीं सुनेगा, जो पशु का मांस खाता है वही भागवत सुनने को नहीं आएगा, बाकी तो भागवत सब लोग सुनेंगे। विना पशुग्नात निवृत्त तर्शैर उपगीयमानात बहु औषधात मनोविरामात। ये भागवत है, ये औषधि है। हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वैसे हम भवर रोग में बीमार है इसलिए हम भागवत सप्ताह में आते हैं, या हमको औषधि मिलती है। कौन सी औषधि? भव रोग की औषधि। ये भव रोग क्या है? हम 84 लाख योनि में भटक रहे हैं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। बार बार माँ के पेट में जाते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, बार बार मृत्यु होता है।
बार बार बुढ़ापा आता है, बार बार रोग आता है, ये भवर रोग है, इसके बाहर हम नहीं छूट सकते हैं। इसकी औषधि है भागवत सप्ताह, भागवत कथा, भव औषधाक छोत्र मनोभिरामात। और ये औषधि मुंह से नहीं पीने का है। कैसे पीने का? ये औषधि कान से पीने का है। इसलिए भगवान ने हमारे कान कप की तरह दिए हैं, देखिए ग्लास की तरह, कान से पीने का है इसको। और 7 दिन में ये औषधि पी के, ये 7 दिन का डोज है, जैसे डॉक्टर डोज देता है ना आपको 3 गोली खाना दिन में, वैसे ये 7 दिन का डोज है। जो भागवत कथा सुनेगा उसके भव रोग दूर हो जाएगा। तो उद्धव ने कहा परीक्षित को और सब व्रजनाभ को कि बृहस्पति इंद्र का गुरु एक दिन भागवत सुनने के लिए प्रस्तुत हुए और बृहस्पति ने भी उद्धव से पूछा। तो उद्धव जी ने कहा कि ब्रह्मा जी ने जब गर्भोदकशायी विष्णु की नाभि से जन्म लिया, कमल की पंखुड़ी के कमल के बीच में ब्रह्मा जी का जन्म हुआ, और जो विष्णु के पेट से वो कमल की डंडी निकली है और उसमें से ब्रह्मा जी का जन्म हुआ है। और तब ब्रह्मा जी को पता नहीं था आगे क्या करना है। तब ब्रह्मा जी ने सबसे पहले भागवत कहा, भागवत सुना, चतुश्लोकी भागवत। भगवान ने 4 श्लोक में पूरा भागवत ब्रह्मा जी को समझाया था सृष्टि की शुरू में। थोड़ा सा लाइट चाहिए। हाँ, लाइट लाइट नहीं होगा जी। तो ब्रह्मा जी ने जब भगवान से भागवत सुना तो ब्रह्मा जी ने सृष्टि कैसे करना है वो सब ज्ञान ब्रह्मा जी को भागवत सुनने से मिला। तव इच्छा मते ब्रह्मा करे न श्री जान, इच्छा मे ब्रह्मा करे न श्री जान, तव इच्छा मते विष्णु करे न पालन, तव माते विष्णु तव इच्छा मते शिव करे न संहार, माते शिव करे न संहार, तव इच्छा मते माया सृजे कारागार, माते माया तो ऐसे ब्रह्मा जी ने भागवत सुना और सृजन किया। ब्रह्मा जी ने बोला गोविंद नमादि पुरुषम तमहम भजामी, हे गोविंद आपके भागवत में इतनी शक्ति है कि आपका भागवत सुनने से मुझे अपना मिशन पता चल गया, मुझे क्या करना है वो ब्रह्मा जी को पता चला भागवत सुनने से। उसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान का स्तुति किया। उसके बाद नारायण की बारी आई। भगवान कृष्ण का भागवत कथा स्वयं विष्णु नारायण सुनना चाहते थे सृष्टि का पालन करने के लिए। तो भगवान नारायण ने अपनी शक्ति महालक्ष्मी को बुलाया और महालक्ष्मी को कहा कि मैं सारी सृष्टि का पालन करने वाला हूँ,
मेरे रोम रोम में से अनंत ब्रह्मांड निकलने वाले हैं। यस्यैक निश्वसित कालमथावलंब्य जीवंति लोम विलजा जगदंदनाथा। विष्णुर महान सयस्य कला विशेषो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो भगवान ने कहा विष्णु को कि तुम भागवत सुनो, भागवत सुनोगे तो तुम्हें पालन करने की शक्ति मिलेगी। तो भगवान ने लक्ष्मी देवी को बुलाया और भगवान ने लक्ष्मी देवी से भागवत 7 दिन में नहीं सुना, 2 महीने में सुना। नारायण ने 2 महीने तक भागवत कथा हुआ। वैकुंठ में भी भागवत कथा होता है, तो 2 महीने तक महालक्ष्मी ने नारायण को भागवत सुनाया और नारायण ने भागवत सुना इतने मग्न हो गए भागवत सुनने में कि उनको सृष्टि के पालन करने का ज्ञान प्रकट हुआ। उनके रोम रोम में से अनंत ब्रह्मांड निकलने लगे। इस प्रकार से जब महादेव रुद्र को सृष्टि का प्रलय आता है तब महादेव जी अपना तांडव नृत्य करते हैं, लेकिन सृष्टि का प्रलय करने के लिए शंकर जी ने बोला मेरे पास शक्ति नहीं है, अमित कंगाल एकाकी आमार नाही पायो बोलो हरि नाम संकीर्तन है, हमारा बल नहीं, मेरे पास अकेला शक्ति नहीं है। शंकर जी ने बोला मैं कैसे संहार करूंगा, हे प्रभु मैं आपका गुण अवतार हूं लेकिन मैं इंडिपेंडेंट नहीं हूं, स्वतंत्र नहीं हूं, मैं आपके ऊपर परतंत्र हूं, निर्भर हूं। आमी आपनारो चेष्टाए भरोसा छाड़िया तुम्हारो इच्छाए आची निर्भर करिया। शंकर जी ने बोला हे प्रभु आपकी क्या इच्छा है, आप जब भी प्रलय कराना चाहते हैं तब मैं प्रलय करूंगा। तो भगवान ने कहा हे रुद्र तुमको अगर प्रलय करने की शक्ति चाहिए तो तुम